अगर यूनिवर्सिटी बिक जाएगा, कॉलेज बिक जाएगा, तो आपके और हमारे जैसे लड़कों को पढ़ने का जगह नहीं मिलेगा। पदयात्रा में काफी समर्थन मिल रहा है, ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन इस देश का आंदोलन है, एक एक छात्र का आंदोलन है, यह अभियान एक आंदोलन है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई एक एक चीजों को उठाकर पूरे देश के पटल पर रखने का काम करेगी। नमस्कार, मधेपुरा संचार देखने आप, मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे NSUI के द्वारा जो आज मधेपुरा में शिक्षा बचाओ देश बचाओ का एक पैदल मार्च निकाला गया। इन लोगों से बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर इन लोगों के द्वारा जो आज पैदल मार्च निकाला गया। सबसे पहले जिला निशांत जी से बातचीत करेंगे, आज आप लोगों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है शिक्षा बचाओ को लेकर। आज पूरे देश में जो छात्र है, जो युवा है, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उन सभी के लिए NSUI ने देश बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान चलाया है और यह अभियान एक आंदोलन है सरकार के जुल्मों के खिलाफ, सरकारी अत्याचारों के खिलाफ, जो शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण कर रहा है, शिक्षा को चंद लोगों के घरों तक सीमित कर करके सरकार की जो मंशा है रखने की, उसके खिलाफ ये इनकलाब है। और इसमें आप देख सकते हैं कि छात्र और युवा पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर खड़ा है और सरकार को जिस प्रकार से कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार जो निजीकरण सरकार एक के बाद एक बेच रही है संस्थानों को, उनको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग करो या मरो की स्थिति में आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू जी हमारे साथ मौजूद है, भारी संख्या में छात्र भी पहुंचे हुए। ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन इस देश का आंदोलन है, एक एक छात्र का आंदोलन है। कल के डेट में अगर यूनिवर्सिटी बिक जाएगा, कॉलेज बिक जाएगा, तो आपके और हमारे जैसे लड़कों को पढ़ने का जगह नहीं मिलेगा। कि सरकार को हम चेता रहे हैं कि एक एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो लड़के निकलेंगे ना, वो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। VC के घर में लाखों रुपया बरामद होता है, वो पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा है किसका? पूरे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इसकी गहनता से जांच करे। अगर भाई चांसलर राजभवन पे आरोप लगाता है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर खासतौर पे अगर BN मंडल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस पर आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। BN मंडल के साथ बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय में लगा हुआ है। आज ही एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दिया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि अभी पटना विश्वविद्यालय का आपको पता होना चाहिए, मगध विश्वविद्यालय के VC के घर लाखों रुपया बरामद हुआ, करोड़ों रुपया बरामद हुआ। उस भाई चांसलर को तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म के मारे हटा देना चाहिए राजभवन को। लेकिन राजभवन को तो ATM चाहिए, ATM लेके नियुक्त कर दे रहा है विश्वविद्यालय में VC को। एक चपरासी की नियुक्ति भी पैसे लेकर के हो रही है और विश्वविद्यालय को लूट का अड्डा बना दिया गया सरकार के द्वारा। छात्र भारी संख्या में पूरी तरह से आया जन आक्रोश, सरकार के खिलाफ हम लोगों के साथ है NSUI की पूरी टीम। आज चौथा दिन है पदयात्रा का, आप किसी भी जिला को उठाकर देख सकते हैं, इतना भीड़ इतना हुजूम, यह साबित कर रहा है कि यह डबल इंजन की जो सरकार नीतीश कुमार की, या छात्र नौजवान या तख्ता पलट करने वाले हैं। जिस तरह से शिक्षा में लूट मची हुई है, जन आक्रोश आपको आज दिख रहा है। पदयात्रा में काफी समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में 15 दिसंबर को यह पदयात्रा मैंने शुरू किया था और यह 15 जनवरी तक यह पदयात्रा बिहार के एक एक जिलों में जाएगी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई एक एक चीजों को उठाकर पूरे देश के पटल पर रखने का काम करेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार यह डबल इंजन की सरकार छात्र छात्राओं के साथ दौर कर रही है, यह दोषपूर्ण रवैया नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर दरवाजे से बीसी के यहाँ लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है, यह रुपया किसका है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम छात्र नौजवानों को, हम छात्रों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाकर दोनों को लूटने का काम किया है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र होगा, पूरे देश में यह आंदोलन होगा और यह भ्रष्ट सरकार की तख्तापलट करेंगे छात्र छात्रा। शिक्षा बचाओ देश बचाओ का ये आज पैदल मार्च जो है किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भारी संख्या में छात्र का भीड़ है। मधेपुरा बस स्टैंड से लेकर BN मंडल यूनिवर्सिटी तक ये पैदल मार्च रखा गया है और प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने बताया कि NSUI का ये आंदोलन और भी तेज होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मंदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।